हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हियर योर पाल ठाकुर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। अगर आप मेरी वीडियो पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू चाहिए, कैसे यूज़ करना है, वो कैसा है, हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, जो भी उसके वो होते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, वो मैं बताऊंगी। तो आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं उसको कमेंट में आप लिख सकते हैं, जिससे कि मैं उसे परचेज करके आपको उसके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँ। एंड ये कोई प्रमोशन वीडियो तो होगी नहीं, तो मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि कोई भी वीडियो आए ना तो वो आपके काम की हो। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, किसी और ने किया हो, तो वो आप देख सके। और बेल को ऑल पे कर लेना है, जिससे कि कोई भी वीडियो आए वो आपके काम की, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे कि आप उस पर क्लिक करके वीडियो देख सके। ये वीडियो इसलिए भी लेट हुई कि ये प्रोडक्ट मेरे को मेरे एरिया में कहीं नहीं मिल रहा था, उसके बाद मुझे ऑनलाइन जाके इसे परचेज करना पड़ा, तो आने में भी टाइम लगा। तो आज ही आया, तो मैंने सोचा आज ही इसको वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूँ, क्योंकि मुझे एक लड़की ने कमेंट किया था, एंड थैंक यू आपने कमेंट किया, एंड मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ। जो भी रिव्यू होगा ऑनेस्ट होगा, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ये हैवी है नहीं है, और मैं सारे टेस्ट करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए तो फ्रेंड, आज हम करेंगे परी अल्ट्रा थिन हैवी फ्लो चैंपियन बेड का रिव्यू, जो कि मुझे 80 रुपीज़ में पड़ा है। ऐसे तो इसकी MRP 90 थी, पर 10 रुपये का कैशबैक होते हुए तो ये मुझे 80 का मिला। एंड इसमें डबल फैदर्स है, मतलब कि दो विंग्स दे रखे हैं, एंड सॉफ्ट एंड रेसिस फ्री हैंड, एक्स्ट्रा लार्ज है, मतलब डबल XL है, सॉरी एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है। एंड ऊपर की साइड में इसमें दे रखा है कि इसको यूज़ कैसे करना है, और इसको फेंकते समय डिस्पोज करते समय कैसे करना है, पूरे स्टेप बाय स्टेप। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं 3 से 4 घंटों के लिए, मतलब आवर्स के लिए। एंड सेकेंड साइड में कुछ ऐसे तो जो हमें पढ़ने में नहीं आया। इस साइड भी ये ब्रांडिंग कर रखी है, परी अल्ट्रा थिन XL डबल XL 80 रुपीज़, कुछ इस टाइप से। बैक साइड में इसकी क्वांटिटी लिख रखी है, 7 सैनिटरी पैड मिले हैं, MRP 80 है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड बैच नंबर ये सब लिख रखा है, 3 ईयर बिफोर मैन्युफैक्चरिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ इसके से मेन पॉइंट लिखे हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सॉफ्ट एंड रेसिस फ्री, जेंटली फ्रिक्वेंस है, विद डिस्पोजल कवर मिला है, डबल फेदर फॉर एक्स्ट्रा कम्फर्टेबल, एंड गेट जेल टेक्नोलॉजी एंड एब्जॉर्विंग क्विकली। और इसका जो ब्रेथ है वो है 320 mm, एंड इसकी हाइट है 160 mm, कुछ इस तरीके से पूरा इसमें लिख रखा है। हम अब इसके इंटरनली पैकेजिंग की बात चलते हैं, तो हम पैड की पैकेजिंग देखेंगे। तो इसको एक पैक में दे रखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है, जिससे कि आपको ट्रेवल टाइम में भी काफ़ी अच्छा रहेगा, एंड ये आपके पैड को जम से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है, जो आजकल पैड हर प्रोवाइड करने लग गए हैं। इसके ऊपर ये पिंक कलर की टेप लगा रखी है, इससे आपको इसे ओपन करना है, तो मैं इसे चलिए ओपन करती हूँ। तो सिंपली इसको टेप को हटाना है, एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साइड से कवर है, ये पूरी साइड से कवर है। पैड आपका बीच में एकदम सेफ एंड सिक्योर है। एंड इसकी जो फुल लेंथ देखेंगे ना, तो काफ़ी बड़ा था, मतलब नॉर्मली से मुझे काफ़ी सही लगा इसकी लेंथ। तो इसको मैं सिंपली ओपन कर लेती हूँ, एंड मुझे पैड की पैकेजिंग बहुत सही लगी। इस तरीके से पैकेजिंग आने की वजह से ना, कहीं हम जा रहे हो तो इजीली इसको बैग में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना आजकल उसमें कवर करके देते तो ये बहुत गंदा है। मैंने उसकी साइड की पैकेजिंग हटा दी है, एंड यहाँ पे इसको बैक साइड में ना ग्लू दे रखी हुई है, जो मैं हटा के पहले चेक करती हूँ कि ग्लू कैसी है, कि हमारे फैब्रिक से चिपकी है या नहीं। देख सकते हैं आप, इसमें 3 एक लाइन लगी हुई है जो ग्लू है, तो ये मैंने अभी वापस उसको वैसे चिपका दिया। अब मैं इसके विंग्स ओपन कर रही हूँ, विंग्स के ऊपर भी, और इसमें 2 विंग्स दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले ऊपर वाला ओपन किया, नीचे वाला, और कुछ इस टाइप में के विंग्स है। अभी मैं इसको अपने फैब्रिक के साथ ही चिपका दे रही हूँ, तो कुछ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लग रहा है पैड। तो जो हमारा एब्जॉर्ब करता है वो तो अंदर की साइड है ही, जो कि थोड़ा सा आपको डार्क वाइट में दिख रहा है, बट साइड में आपको विंग्स दिख रहे होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, जो कि आपको पीछे बम एरिया में भी बहुत अच्छे से कम्फर्टली आपके पूरे पैंटी को कवर कर लेगा। तो वो चीज़ मस्त है, और आप इसको अच्छे से स्टिच कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं अपनी पैंटी के साथ, चिपक जाएगा ये जिस तरह से ये मेरे कपड़े के साथ चिपक गया, जो मैंने नीचे लगाया हुआ है फैब्रिक उससे। अभी मैं उससे हटाती हूँ, और अब हम इसकी चेक करेंगे बैक साइड कि इसकी बैक साइड कैसी है। तो इसकी बैक साइड पर तो नॉर्मल है, और फ्रंट साइड में ऐसे छोटे से डॉट दे रखे हैं, और इस पर पैड हमारा 11.4 में पड़ा रहा है, तो इस पर छोटे छोटे डॉट दे रखे, जिससे हमारा ब्लड अब्जॉर्ब होगा, और काफ़ी सही है। और थिननेस की बात करूँ तो बहुत 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 ही ज़्यादा पतला है, देख सकते हैं आप कितना पतला पैड लग रहा है, और इसकी लेंथ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब हम करेंगे ब्लड टेस्ट, क्योंकि ब्लड टेस्ट के बिना तो पैड का कोई काम ही नहीं है। तो अब हम करते हैं इसका मेन, जो हमें इसके ऊपर काम करना है। तो अब मैंने ब्लड लिया, एंड मैंने ये आर्टिफिशियल ब्लड बनाया हुआ, तो इसको मैंने जैसे इस पर डाला, एंड ये ऑब्जर्व हो गया बहुत ही सही, बट ऐसा नहीं कि उसी जगह पर ऑब्जर्व, थोड़ा सा ये स्प्रेड होकर ऑब्जर्व हो रहा है, बट ये सही क्विक और बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर ले रहा है, ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं, मैंने बैक साइड में भी देखा, कहीं बैक साइड में तो नहीं जा रहा,
क्योंकि मैं हल्का सा इनके विंग्स पे चले गई थी, बट विंग्स पे भी नहीं लगा, विंग्स पे लगा पर वो बाहर नहीं गया। और ये भी है कि ये एक क्विक अब्सॉर्ब तो करता है, बट हैवी फ्लो में थोड़ा सा ये है कि इसमें से स्प्लिट हो गया मेरा जो आर्टिफिशियल ब्लड है। मैंने क्विकली इसमें बहुत सारी बार ड्रॉप किया फटाफट, मैंने कहा देखते हैं कि हैवी फ्लो में कितना रहता है, बट इसने मैंने एक ही जगह पर ट्राई किया कि ज़्यादातर हमारा फ्लो जो आता है इसी एरिया में आता है, तो वहाँ पर ये क्या करता है, तो ये अब्सॉर्ब तो करता है, और वहाँ पर अगर हो जाता तो मतलब आगे पीछे करके ये अब्सॉर्ब कर लेता है, ऐसा नहीं कि वहीं पर अब्सॉर्ब कर रहा है, थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है एंड देन फिर ये अब्सॉर्ब कर लेता है, अब्सॉर्ब भी बहुत सही कर ले रहा है। तो मैंने इसकी बैक साइड में भी देखा कि कहीं इसका नीचे की साइड लग तो नहीं रहा है इतना सारा ब्लड निकलने की वजह से, कुछ नहीं। और इसने इतना क्विकली इसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट किया, आप देख सकते हैं मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, इसमें से बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है मेरा, जबकि मैंने दूसरे वाला किया था उसमें से निकलने लग गया था। तो इसने बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से इसने इसको जेल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी कि इसमें हैवी फ्लो को भी ये बहुत अच्छे से कर लेगा, और बिल्कुल भी आप देख सकते हैं मैंने कितने तरीके से इसको दबा के देखा, हर तरीके से मैंने प्रेस किया कि निकल रहा है निकल रहा है, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब मैंने सोचा इस पर थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, जब इतना ही अच्छा है तो मैंने आगे की साइड ट्राई किया, क्योंकि कभी कभार हम बैठते हैं आगे पीछे कहीं भी लग सकता है, तो नहीं निकला। और मैंने इसके एकदम जो बाहर की साइड था ना विंग, उस पर भी पूरा डाल दिया, बट वहाँ से भी ये बाहर नहीं निकला, वहाँ पर अब्सॉर्व कर लिया उसने, बट ऐसा नहीं कि पैंटी में लग जाए कहीं पर लग जाए। तो ये चीज़ की बहुत ही अच्छी, और अब्सॉर्विंग भी बहुत अच्छे से कर रहा है, तो ये पैंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे बार बार प्रेस करके देखा एंड जब मैं इसे ऐसे दबा रही थी ना, तो मुझे फील हो रहा था कि अंदर ना कुछ जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, कोई भी हार्डनेस नहीं लग रही थी, तो ये चीज़ इसकी बेस्ट थी। अब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा पैड है। आपको लेना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा पैड है, आप ले सकते हैं। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत 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 ध्यान रखें। बाय, लव यू ऑल। Thank you.